भगवान शिव और भगवान विष्णु जी के पुत्र का जन्म कैसे हुआ। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु और भगवान शिव जी के पुत्र का जन्म महिषासुर की बहन महिषी को मारने के लिए हुआ था। महिषासुर की बहन महिषी अपने भाई की मृत्यु का बदला लेना चाहती थी, इसीलिए महिषी ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उससे वरदान मांगने को कहा। महिषी ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने बताया जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय है, इसीलिए तुम कोई और वरदान मांगो। यह सुनकर महिषी ने कहा, मेरी मृत्यु केवल भगवान शिव और भगवान विष्णु के पुत्र के हाथों हो। यह वरदान पाने के बाद महिषी ने चारों ओर आतंक मचाना शुरू कर दिया, जिससे परेशान होकर सभी देवता और ऋषि मुनि भगवान विष्णु और भगवान शिव जी के पास गए, जिसके बाद भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार और शिव जी के तेज से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिन्हें हरिहर अय्यप्पा स्वामी और मणिकांता के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने महिषी का वध कर देवताओं और ऋषियों मुनियों को उसके आतंक से मुक्त किया।